तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो दोस्तों अभी सुबह का समय है और अभी देखिए अभी का नज़ारा कुछ इस तरह से है। देखिए और अभी हम जला हुआ है इधर चूल्हा, देखिए और बनाएंगे आज हम करेले का सब्ज़ी। देखिए इधर करेले काट लिए हैं, देखिए करेला, इधर प्याज और इधर मसाला भी बांट लिए हैं। ये देखिए और अभी काटेंगे हम टमाटर दोस्तों। तो और आज मैं इस टाइम में बनाएंगे करेले का सब्ज़ी और इसमें मसाला में पीसे हम धनिया, जीरा, गोलकी और मिर्ची और लहसुन और अदरक पीस लिए हैं। इधर प्याज हम काट लिए हैं, ये देखिए इधर कढ़ाई चढ़ाए हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम पानी देंगे, पहले करेले को उबाल लेंगे। तो इधर देखिए मेरा पानी है तो भी दे देते हैं, ये देखिए दे दिए। अब हम उसमें डालेंगे नमक हल्का और उसके बाद करेले को डाल देंगे उबालने के लिए। तो देखिए इधर नमक दे दिए हैं इसमें, तो हम मिला देते हैं नमक को और उसके बाद हम ये डालेंगे इसमें करेले को। देखिए करेला ये पानी में मिला दिया नमक, तो अभी देखिए इधर ले लिए हैं करेला, तो दे देते हैं उबालने के लिए। इसको सबसे पहले उबाल लेंगे, नहीं तो ये तीता लगेगा खाने में। और इसको पहले उबालने से इसका जो है तीतापन सब निकल जाता है, इसलिए थोड़ा सा उबाल लेंगे। उसके बाद तेल के साथ इसको फ्राई करेंगे। देखिए दे दिए, थोड़ा सा इसको उबाल लेते हैं, अभी ढक देते हैं बर्तन से। इधर बर्तन था, देखिए तब हम करेले को उबाल लेते हैं और उधर चढ़ाए हुए हैं चावल। ये देखिए पानी गर्म होने के लिए दे दिया है और तब तक हम काट लेते हैं इधर टमाटर, इधर प्याज और मसाला तो बांट लिए हैं और प्याज भी काट लिया, तब हम टमाटर को काट लेते हैं। और इधर मेरा करेले भी उबल रहा है। तो देखिए हम इधर कर दिए हैं कढ़ाई को, ये देखिए क्योंकि इधर चावल चढ़ा दिए हैं इसलिए, ये देखिए इधर चावल भी डाल दिए हैं और इधर कर दिया कढ़ाई को। तो अभी हम देख लेते हैं मेरा इधर करेली हुआ है कि नहीं। करेला ये देखिए, और ये देखिए उबल गया है, देखिए अच्छे से। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं बर्तन में, देखिए इधर बर्तन में निकाल लेंगे हम। इसमें नमक देखिए उबाल लिए हैं और नमक हल्का ही दिए थे उबालने के लिए, ज़्यादा नहीं दिए थे। तो अभी हम निकाल लेते हैं इधर सारा करेली को। देखिए सारा करेली हम निकाल लिए, कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और इधर दे दिया तेल। तभी हम डालते हैं मिर्ची क्योंकि करेले को फ्राई करेंगे इसलिए। तो हम अभी मिर्ची को पका लेते हैं, उसके बाद हम डालेंगे इसमें करेली। ये देखिए इधर करेले का देखिए पक गया है मिर्ची, तभी हम डालते हैं इसमें करेले को। ये देखिए हल्दी देंगे और नमक, हल्का नमक फ्राई करेंगे। ये देखिए इधर देखिए हल्दी और नमक, पहले हम इसको फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए इधर करेली जो है मेरा फ्राई हो गया है, तो हम बर्तन में इसको निकाल लेते हैं फिर से और तेल के साथ इसको फ्राई कर लेंगे। तो हम निकाल लेते हैं बर्तन में इसको, चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए, तेल रहा तो चलिए देते हैं अभी कढ़ाई में तेल। और ये देखिए इधर दे दिया है तेल, तो अभी हम इसमें डालते हैं प्याज। ये देखिए प्याज रहा,
देखिए इधर आग भी लगा रहा है। प्याज को हम फ्राई कर लेते हैं लाल होने तक। देखिए मेरा प्याज इधर फ्राई हो गया है, तो हम इसमें डालेंगे मसाला। ये देखिए इधर मसाला रहा मेरा, तो डालते हैं मसाला को। और अभी हम डालेंगे इसमें हल्दी और नमक मसाला में, अपने अनुसार डालेंगे क्योंकि हम करेली में भी डाले थे नमक, इसलिए तो इसमें अपने अनुसार नमक डालेंगे जैसे कि बराबर स्वाद आए, इसलिए हम ये देखिए तब हम इसमें डालेंगे नमक और हल्दी। और ये देखिए इधर हल्दी और नमक डाल दिए हैं। इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए इधर मसाला फ्राई हो गया है, तो हम इसमें डालेंगे टमाटर। ये देखिए टमाटर का ये डाल देते हैं, तो थोड़ा सा टमाटर को भी फ्राई कर लेंगे। हल्का इसमें दे देंगे पानी टमाटर को पकने के लिए। तो देखिए दे दिए, तो हम पका लेते हैं टमाटर को, उसके बाद हम डालेंगे इसमें करेली को। देखिए हम पका लेते हैं टमाटर को मसाले के साथ। देखिए खोल रहा है इधर, तो हम पका लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों मेरा इधर मसाला फ्राई हो गया है, तो हम डालते हैं इसमें करेली को। ये देखिए कहीं हम करेली को भी फ्राई कर लेंगे मसाले के साथ थोड़ा सा। ये देखिए काफ़ी अच्छा लगे खाने में, तो हम थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा मुझे इसको पसार देते हैं फ्राई होने के लिए। और ये देखिए मेरा इधर फ्राई हो गया है, देखिए और कितना ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो अभी हम इसमें डालेंगे पानी। ये देखिए जब ले लिए हैं पानी, तो अभी चलिए डाल देते हैं इसमें और थोड़ा सा खोल लेते हैं, खोला देते हैं इसको सब्जी को। और अपने अनुसार इसमें नमक दे देंगे। ये देखिए ले लेते हैं पहले हम नमक थोड़ा सा, और अपने अनुसार देंगे क्योंकि हम पहले दिए थे इसलिए। ये देखिए नमक ले लिए, तभी दे देते हैं इसमें और मिला देते हैं। और अभी थोड़ा सा इसको खोला करके और उसके बाद हम नीचे कर देंगे इसको। और ये देखिए मेरा धीरे धीरे खोल रहा है, तो अभी हम खोला के और फिर नीचे कर देंगे। और ये देखिए इधर बढ़िया से खोलने लगा, तो अभी हम इसको नीचे कर देंगे। और मेरा सब्जी इधर बन गया है, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों हम इधर ले लिए हैं थाली में, ये देखिए खाने के लिए। ये देखिए बर्तन में ले लिए हैं, तो अभी हम खाते हैं, बताते हैं कैसा लगा। और इधर देखिए गुड़िया है, क्या बेटा? नहीं, देखिए कैसे लटक रही है मेरा गोदी आने के लिए। ये देखिए तो अभी हम खा के बताते हैं कि कैसा लगा सब्जी। तो अभी हम खाते हैं, ये देखिए क्या खाएगी। हाँ देखो क्या है, लो लो लो, देखिए मिला ले रहे हैं क्या बेटा। हाथ को भूख रही भगा 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 बकरी भगा बकरी भगा। अब देखिए कैसे कर रही है गुड़िया, हम खाएंगे। देखिए बहुत अच्छा लगा दोस्तों, और ज़्यादा तीता भी नहीं लगा। उबाल के आप लोग जरूर घर में ट्राई कीजिएगा बनाने का। तो हम खा लेते सबसे पहले। देखिए बहुत ही अच्छा लगा खाने में, करेली का भरवा भी बनाते हैं लेकिन नहीं बनाए, उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। क्या हुआ? तो अभी हम खा लिए हैं खाना और बहुत ही अच्छा लगा खाने में। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में बनाने का करेली का रेसिपी नई तरीके से। तो
दोस्तों हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो पे, तब तक बाय बाय।